हमारा एक अनदर फार्मूला है, इसको हमने जो है अब सॉल्व करना है। ये सॉल्व करते करते हमें याद भी हो जाएगा। तो आपने देखा है कि जिस तरह हमने लास्ट किया था ए प्लस बी स्क्वेयर, तो इसी तरह इसको भी हमने करना है। इसको जो है हमने 2 टाइम्स लिख लेना है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस सी की 2 प्लस 2 ए बी प्लस 2 ए बी। इधर आप बी सी भी लिख सकते हैं, ए सी भी लिख सकते हैं, जो लिखें। तो ये जो है आपने इस तरह इसको लिख लेना है, इसको उसी तरह लिख देना है। इसको जो है आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए से मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये आ जाएगा ए की 2। उसके बाद ए को बी के साथ हमने जो है मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ जाएगा प्लस ए बी। फिर ए को सी के साथ, तो ये आ जाएगा प्लस ए सी। उसके बाद बी के साथ इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। बी बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वेयर आ जाएगा। उसके बाद प्लस बी सी प्लस बी सी। उसके बाद सी को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आ जाएगा प्लस सी ए प्लस सी बी प्लस सी स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा सी ए। ए सी भी लिख सकते हैं, सी ए भी लिख सकते हैं। तरतीब का ख्याल होना चाहिए, ए को पहले लिख दें, ठीक है। उसके बाद बी सी, फिर सी स्क्वेयर। इसको जो है आपने उसी तरह लिख देना है, ठीक है। इसको जो है, ये जो है आपका उसी तरह चलता आ रहा है। उसके बाद आपने ए स्क्वेयर लिख देना है। फिर इनको जो है आपने प्लस करते जाना है। अब देखें, आपके पास ए बी ये है और दूसरा ए बी ये है, आगे कोई नहीं, तो इनको प्लस कर लें तो कितना आ जाएगा। उसके बाद आप यूँ करें कि ए की 2 प्लस बी की 2 लिख दें। उसके बाद प्लस सी की 2 लिख दें। उसके बाद प्लस के बाद आप लिख दें ए बी। एक ए बी ये है और दूसरा ये है, तो ये क्या आ जाएगा 2 ए बी। उसके बाद देखें बी सी वाले, एक ये है बी सी और दूसरा ये है, तो ये आ गया प्लस 2 बी सी। उसके बाद प्लस ये ए सी आ गया और ये ए सी सी ए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 ए सी इज इक्वल टू, यही फार्मूला चलता आ रहा है। अब इसको जो है हम लिख देते हैं, ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस सी की 2 प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 ए सी। इसमें जो है आप 2 कॉमन भी लिख सकते हैं, ये आपको इजाज़त है, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर जो उसने दिया था, ये उसी तरह हम लिख देते हैं, ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस सी की 2 प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए या ए सी लिख दें, 2 ए सी। तो अब आप देख लें, इनको मैच कर लें, आप मैच कर लें ये दोनों एक जैसे हैं। तो ये जो है आप इसको 2 टाइम लिखो, तो आपके पास ये सारा कंप्लीट हो जाता है। तो आप इसका भी स्क्वायर ले लो, तो आपके पास ये आ जाता है।